अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं हूँ आशा बिलाल आप देख रहे हैं अपना चैनल आशा बिलाल व्लॉग आज मैं आपके लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल को चिकन कोरमा की रेसिपी आप किस तरह घर में आसानी से बना सकते हैं चले मे टाइम की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपने पैन में हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड करना है इसमें आपने दो कप के बराबर प्याज़ ऐड करना है ब्रिक चॉप किया हुआ अगर आप चाहें तो आप ऑयल ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने हाफ कप इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं कम ऑयल इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा ऐड नहीं इसमें किसी भी चीज़ में ऑयल इस्तेमाल नहीं करती ज़्यादा फिर आपने इसमें इसको प्याज को हल्का सा सोते कर लेना है अगर आपका प्याज जो है आप ब्राउन आपने पहले से इसको ब्राउन किया हुआ है शैलो फ्राई किया हुआ है तो आपने प्याज जो है आपने, आपने स्टार्टिंग में नहीं ऐड करना आपने सबसे पहले अदरक लहसुन को हल्का सा सोते कर लेना है फिर आपने इसमें टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसमें प्याज़ ऐड करना है तो आपने पैन अगर आपके पास ब्राउन लाइट ब्राउन ना हो तो आप प्याज को इस तरह पहले ऐड कर लीजिए इसको हल्का सा सोते कर लीजिए फिर अदरक लहसुन डालकर कर आपने उनको हल्का सा पका लेना है फिर आपने रफली चॉप किया हुआ इसमें टमाटर ऐड करने हैं अगर आपके पास स्मॉल साइज़ में हो तो आप थ्री ऐड कर अगर आपके लार्ज हो तो आप इसमें दो ऐड कर सकते हैं फिर आपने इनको साथ सोते कर लेना है उसके साथ ही आपने कुछ इसमें मसाला ज्यादा ऐड करने हैं जितना आप इसको स्पाइसी चाहते हैं उस अपनी, अपनी क्वालिटी के मुताबिक आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं हाफ टी स्पून के बराबर आप इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और वन टी के बराबर आप इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर वन टीस्पून के बराबर ही आप इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर जायका आप इसमें नमक ऐड करेंगे वन टीस्पून के बराबर आप इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे वन टीस्पून के बराबर आप इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और इनको आपने अच्छे से डालकर आपने इसको भून लेना है इसको भून लेने के बाद और आपने इसमें हाफ कप के बराबर आप इसमें पानी ऐड करेंगे ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि हमें जो इसका जो हमें इसकी जो ग्रेवी है हमने पहले से अच्छे से शैलो फ्राई की हुई है तो वो जल्दी पक जाएगी इसलिए आपने ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना और बिल्कुल आपने लो आँच पर आपने इसको पकाना है आपने ज़्यादा तेज़ आंच करके इस चिकन को जो है आपने नहीं बनाना आपने लो आंच पे इसको पकाना है और ये जटबट बनने वाली रेसिपी है जो ज़्यादा टाइम आपकी नहीं लेगी तो फिर आपने इसको हल्का सा पानी डालने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन दस मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने ज़्यादा हाई भी नहीं करनी ज़्यादा आपने लो भी नहीं करनी तो आपने नॉर्मल साइज़ की आँच रख कर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है हाफ़ कप के बराबर पानी ऐड करना है ज़्यादा आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो कीजिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दस मिनट के बाद जो आपकी ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाएगी और वो अच्छे से आपको ज़्यादा मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आपकी जो आपने लो तो आँच पर जो आपने इसको पकाया उसी से आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन जानी है और वो पक भी जानी है और वो अच्छे से मैश भी हो जानी है फिर आपने इसको इसमें चिकन ऐड करना है चिकन मेरा वन के जी से थोड़ा सा कम था ज़्यादा पूरा मेरा वन के जी नहीं था अगर आपके पास चिकन ज़्यादा आओ तो आप इसकी जो मसाले की जो क्वान्टिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं फिर आपने चिकन को हल्का सा शेलो फ्राई करना है ताकि जिसका कलर है वो चेंज हो जाए जब उसका कलर चेंज हो जाए इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए आपने इसको पानी में लगा अच्छे से लो फ्लेम पर आपने इसको भूनना है फिर आपने हाफ कप के बराबर पानी ऐड करना है उसको पकने के लिए छोड़ देना है दस मिनट के लिए जब आपका चिकन जो है गल जाए तो फिर आपने इस पॉइंट पर आपने जो है आप दही ऐड करना है तकरीबन टू टेबल स्पून अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप इसमें हाफ़ कप भी दही ऐड कर सकते हैं इसको दो, दो, दो टू टेबल स्पून के बराबर आप इसमें दही ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है थोड़ी सी आपने जो इसकी आँच है वो हाई कर लेनी है ज़्यादा हाई नहीं करनी क्योंकि चिकन जो है हमारा वो गल चुका है सिर्फ़ हमने इसको हल्का सा भूनना है जो हमने इसमें दही ऐड किया है ताकि जो हमने इसमें प्याज ऐड किया गया प्याज़ ज़्यादा आपका डल गया होगा तो दही है जो उसका प्याज का जो मीठा पन्ना है वो ख़त्म कर देगा उसमें आपको जो सालन है उसमें थोड़ी सी खटास ले आएगा फिर आपने इसको आपने इसमें जो उसके हल्के पाँच मिनट पे भूनने के बाद आपने इसमें हाफ टी स्पून के बराबर आप इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और आपने इसमें हाफ टी स्पून के बराबर ही आप इसमें डालेंगे गर्म मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून के बराबर आप इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून के बराबर आप उसमें डालेंगे गरम गर्म सूखा धनिया इसको आपने गार्निश के बाद जब आपने इसको अच्छे से भूल लेना जब आपने इसको सर्व करने लगना है तब आपने इन मसालों को डालना है और उसके ऊपर आपने धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है हरी मिर्ची अगर आप चाहे तो आप बारीक चॉप कर कर भी डाल सकते हैं दो बच्चे जो है इतने शौक से नहीं खाते इसलिए मैंने इनको दरमियान से कट कर कर मैंने इनको ऐसे ही डाल दिया था फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और सर्विंग पेपर डाल कर आप इसको नान के साथ किसी चीज़ के साथ चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको आपने इसको घर में बनाया तो आपका ये कैसा बना